सो हेलो एवरीवन, अनदर एपिसोड ऑफ द स्ट्रेंथ डॉक्टर पॉडकास्ट। टुडे वी हैव अनदर गेस्ट विद अस, माय फ्रेंड फ्रॉम द कॉलेज, मिस्टर अद्वैत सपरे। सो हाउ आर यू अद्वैत, कैसा है? आई एम गुड, आई एम गुड। कुछ नहीं, अभी मंडे से जिम वापस ज्वाइन करने की देरी है। सेम्स खत्म हो गए फाइनली, वही ऑनलाइन वही सेमेस्टर्स। अभी तो सेम रहा था मेरा भी पूरा। ये 2 वीक 2-3 वीक का ब्रेक था, तो उसी का वेट था बस, किसी तरह रूटीन में वापस आने का। हाँ वही, कभी कभी लगता है हमने फॉर्मेलिटी के लिए बंद कर दिया था जिम एक दो हाँ हफ्ते के लिए, मन की शांति रखने के लिए कि हाँ एग्जाम्स आ रहे, जिम बंद रखो थोड़े टाइम के लिए। और बाकी कुछ वीकेंड वगैरह कैसा था? अरे वीकेंड तो बढ़िया था भाई, कैंपिंग वैम्पिंग गए पूरी रात, अभी तो पूरी एनर्जी डाउन है। आज तो आराम है, कल से वापस शुरुआत, सब कुछ वही बैक टू द ग्राइंड। तो बैक टू द ग्राइंड। बेसिकली वही पूछ रहा था कि जैसे तूने अपना ट्रांसफॉर्मेशन अभी किया था रिसेंटली, लाइक विद इन पास 2 मंथ आई थिंक, कितना 6-7 महीना रहा था अपना, यस यस, उसके बारे में थोड़ा सा बता। जैसे अपना तेरा जर्नी बेसिकली, तेरे क्या थॉट्स हाँ। थे? लाइक एज यू सी, जैसे कि इस ईयर के स्टार्टिंग में तू देखा रहेगा कि तू मेरे को देखा रहेगा कि आई वॉज लाइक आई हैड बिकम क्वाइट फैट ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड काफ़ी इनएक्टिव सा हो गया था। सो लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आई हैड डिसाइडेड कि ये साल हेल्थ को अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि है ना लोग स्टार्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें करना, एक दो दिन या कभी कभी एक महीना पूरा कर देंगे अच्छे से, देन आफ्टर दैट दे जस्ट लीव लाइक वंस दे से लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वजन कम हो गया, नाउ हैव टू लीव। सो मेरा ये ऐसा गोल था कि जो ये कितना भी हो, मे बी इट डजेंट मैटर इफ इवन इफ इट लाइक 15 मिनट ऑफ वर्कआउट ऑल्सो, समथिंग स्मॉल सा एक्टिविटी टू कीप इट योरसेल्फ एक्टिव, बट यू शुड इनकॉर्पोरेट इन योर डेली लाइफ। सो मतलब ऐसे रूटीन जैसा वो क्रिएट हो जाए, तो दैट कैन दैट दैट वे इट कैन गेट सस्टेनेबल। सो मतलब सो लाइक ये साल के स्टार्टिंग में लाइक आई वॉजेंट एक्टिव एट ऑल, क्योंकि पिछले एक साल में मैं कुछ नहीं करता था, एंड लाइक आई यूज टू बी द काइंड ऑफ पर्सन हु यूज ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द ईजी वे आउट, कि अगर सपोज कर रहा रहता तो अगर 5 सेट है तो भाई अपन 4 सेट निकाल देंगे, 1 सेट जाने दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो एंड आई यूज टू फोकस ऑन लाइक शॉर्ट टर्म गोल ओरिएंटेड, वैसे टाइप का रहता था मेरा अप्रोच। बट लाइक दिस ईयर आई स्टार्टेड डिफरेंटली थोड़ा, आई एम लाइक कि डजेंट मैटर हाउ एवर यू डू इट इन द बिगिनिंग एटलीस्ट, बट ट्राई टू फिनिश द वर्कआउट। और इसमें मैं आई यूज दिस ऐप, ऑनलाइन ऐप फ्रीलेटिक्स, इट्स अ पेड वर्जन, इट जस्ट बेसिकली इट गाइड्स यू विथ ऑल दोज बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। सो क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि लाइक करने का है एक्सरसाइज बट यू डोंट नो वॉट काइंड ऑफ वर्कआउट यू आर गोइंग टू डू, एंड यू एंड अप डूइंग जस्ट ऐसे रैंडमली कोई भी एक्सरसाइजेस, सो दैट्स नॉट प्रोडक्टिव काइंड ऑफ। सो जस्ट फॉर गाइडेंस सेक मैं वो ऐप यूज करता था टू डू बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। सो आई रिमेंबर लाइक माई फर्स्ट सेशन इन फेब्रुअरी, नो फेब्रुअरी नो फेब जनवरी एंड, या दैट वॉज माई फर्स्ट सेशन व्हेन आई हैड द फ्रीलेटिक्स फर्स्ट सेशन, उसमें 20 मिनट का वर्कआउट था, मेरे को आज भी याद है, इट वॉज बर्पीज एंड एब्स फर्स्ट डे। सो मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी है, आई थ्रू अप आफ्टर एंड इन द मिडल ऑफ द वर्कआउट, एंड आई एम लाइक कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, यू हैव टू डू इट। इतने से मैं अगर बर्पीस चाहिए। बर्पीज, तो भाई मैं उस टाइम पे 5 बर्पीज भी नहीं कर पाया था, हालत ख़त्म हो गई थी उस टाइम पे। सो देन आफ्टर दैट आई सेड नो नो नो, यू हैव टू ब्रिंग आउट अबाउट सम लाइफ चेंजेस एंड डू इट डेली। तो बेसिकली इसका कैसे था कि इट वाज लाइक इट वाज अ फुल जर्नी एंड अ प्रोसेस जिस जो कि तूने अंडरगो किया। लाइक मतलब तूने यार बेसिकली देखा जाए तो लाइक तू पहले चीजों को समझा, लाइक अपने वीकनेसेस भी समझे, कि हाँ, मेंटली मेंटल गेम इसमें आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट होता है। मेंटल गेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हाँ सही बोल रहा है तू, लाइक यू हैव टू लाइक तुम एस वंस यू आर वन यू वंस यू हैव स्टार्टेड डूइंग एन एक्सरसाइज या कोई भी तुम कर रहे हो, तो
मिड पॉइंट ऐसे आता है कि यू फील लाइक गिविंग इट अप, तो मिड पॉइंट से थोड़ा आगे हर बार धीरे धीरे थोड़ा पुश करने के लिए तुम्हें अपना विल पावर लगता है, एंड इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट डू इट, इट्स लाइक जस्ट मेंटल ब्लॉक रहता है कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो, तुम थक गए हो छोड़ दो करके, बट इफ़ यू जस्ट लाइक 2 मिनट तुम सांस लो अच्छे से, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग एंड देन यू स्टार्ट डूइंग इट अगेन, हो सकता है यू कैन पुश योर सेल्फ लिटिल बिट, एंड लाइक थोड़ा थोड़ा डेली डेली पुश करते जाओगे, सो आफ्टर अ पॉइंट मेरे को ऐसा लगता है कि यू कैन डू इट. लाइक नाउ आई कैन नॉट से दैट आई जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे दिमाग में था वो कंप्लीट हुआ है, बट अभी तक मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ऑन द ट्रैक हूँ मैं और मेरे को रिजल्ट दिख रहे हैं, सो दैट इज गुड. सो वील हैव टू सी अभी और थोड़ा आगे, आई जो अभी तक बेसिक था कि टू इनकॉर्पोरेट दैट रूटीन इन डेली लाइफ, वो अभी तक अचीव हुआ है, नाउ इट्स टाइम टू जस्ट वर्क ऑन इट, कीप वर्किंग ऑन इट और आगे जाके गया. तू बोजैक देखा रहेगा ना, तूने बोजैक हॉसमन, उसमें याद है वो एक कोट कि वो बोजैक पड़ा रहता है रास्ते पे भागने को जाता है, तो इट साइड से वो बंदर डजेंट आके या वो बोलता है कि इट गेट्स इजियर एवरी डे बट यू हैव टू डू इट एवरी डे एंड दैट्स द टफ पार्ट, गर्ल पार्ट हाँ वही एग्जैक्टली टफ एग्जैक्ट पार्ट काफी काफी टचिंग कोट था, मतलब काफी टचिंग है. वो इट्स लाइक वो एकदम नया वे ऑफ थिंकिंग को ओपन अप करता है, लाइक तुम्हें पता सब चीजें रहती हैं कि ऐसे रहता है कि तुम्हें करना है करना है, जब तक तुम्हें कोई एक बार वो पुश नहीं दे देता है, वो होता है ना पुश चाहिए होता है बेसिकली, जो मेरे को लगता है मतलब हम लोग को पता हमेशा रहता है हम लोग क्या गलत कर रहे हैं, आई थिंक हाँ एवरी हाँ वन इज उतना सेल्फ अवेयर तो होते ही हैं सभी कि उनके हाँ हाँ लाइफ में गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, बट उसके लिए वर्क कर पाना और उस तरफ लाइक वो वर्क एथिक अपना डेवलप कर पाना, वो सब उसी में ही सब लोग को डिफिकल्टी आती है, और उसके लिए हमें कई बार जस्ट एक पुश चाहिए होता है, किसी किसी को अपना आई थिंक सेल्फ मोटिवेशन से मिल जाता है, किसी को किसी और को देखकर मोटिवेशन से मिलता है, हाँ किसी लोग कुछ पढ़ते हैं तो उससे वो लोग समझते हैं, कुछ लोग जैसे अभी तेरे केस में यू सेड दैट कि वो बोजैक का कोट वाज वेरी लाइक यार, इनसाइटफुल, वो न्यू वो कार्टून देख के हो सकता है इतना इंस्पायर कोई बंदा, विद सिंगल कोट कैन इम्पैक्ट यू सो मच समटाइम्स. वो इसमें जैसे तूने ये पूरा अपना जर्नी किया था फॉलो, तो लाइक इसमें तू मतलब स्टेप बाय स्टेप बता सकता है कि लाइक व्हाट व्हाट चेंजेस तू करता गया और तेरे पहले क्या करता था, लाइक पहले मतलब और पहले तेरा लाइफस्टाइल कैसे था एंड फिर बाद में उसने उसमें तूने कैसे कैसे चेंजेस धीरे धीरे किए टू लीड इट अप टू नाउ। सो लाइक स्टार्टिंग में मैं पिछले साल का बता, पिछले साल जो था दैट माइट बी माई लाइफ स्टाइल फॉर पास्ट क्वाइट अ लॉट ऑफ ईयर्स, लाइक 10th 12th के बाद, 10th स्टैंडर्ड के बाद तो खेलना एकदम मिनिमल हो गया, लाइक यू आर इन टू दैट रूटीन, कोचिंग क्लासेस, स्कूल, कॉलेज, फिर ट्रैवलिंग, घर पे आ जाओ तुम क्या करोगे, लैपटॉप वैपटॉप पे देखोगे तुम, कोई वेब सीरीज देखोगे, खाओगे, सो जाओगे, बस वीकेंड को जाओगे, पार्टी करोगे, खत्म. सो दैट यूज्ड टू बी काइंड ऑफ लाइक कि तुम्हारे आई एक्चुअली इसमें देखा जाए तो ओवरऑल सोसाइटी का भी बोल सकते कि ओवरऑल तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसे रहता है. कि उस टाइम पे ये रहता है कि तुम पढ़ो, खाओ पियो और मज़े करो बस, एंड दे सी फिटनेस एज अ थर्ड पार्ट काइंड ऑफ थिंग कि हाँ ये सब शौक के लिए करते हैं फिटनेस, वेर एज इट्स नॉट दैट, फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सबको करना ही चाहिए, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरी वंस लाइफ स्टाइल, दैट्स वॉट आई फील अभी, दैट टाइम आई यूज़ टू नॉट फील. सो आई वैसे ही ये लाइक इनएक्टिव सा लाइफ स्टाइल था काफ़ी, एंड लाइक हफ्ते में कभी एक बार फुटबॉल वुटबॉल खेल रहे हो जाके आधे घंटे के लिए बस, हाँ वही था जितना था. आधा टाइम तो तुम आओ कॉलेज से, आओ बिस्तर पे लेटे रहो, फिर मस्त थोड़ी सी आफ्टरनून नैप लो, शाम को उठो, डिनर करो, फिर से इधर उधर टाइम पास करो, स्टडी लिटिल बिट एंड स्लीप ऑफ, एंड नेक्स्ट डे अगेन गो टू द कॉलेज. सो यही थी बेसिक सी लाइफ स्टाइल, वीकेंड पे जाओ बाहर इधर उधर घूमो, खाओ पियो, बट देन लाइक आई आफ्टर अ पॉइंट यू आई फेल्ट दैट कि आई वॉज लूजिंग कंट्रोल ओवर द थिंग्स, माई ओन लाइफ एंड माई ओन फिटनेस, उसके ऊपर कंट्रोल जा रहा था मेरा, इज गोइंग आउट ऑफ माई हैंड, एंड आई विल से लाइक
योर फिटनेस एंड योर कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग, दे गो हैंड इन हैंड. सो जितना तुम लेथार्जिक फील करोगे, जितना तुम इनएक्टिव रहोगे, तो वैसे टाइप का हो रहा था. सो देन आई थॉट टू माई सेल्फ कि जैन फेब में कि या नहीं, लेट्स लेट्स डू समथिंग फॉर योर सेल्फ. एंड देन आई स्टार्टेड दिस फ्रीलेटिक्स एंड स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग इट डेली इन माई लाइफ. लाइक स्टार्टेड विथ 20 20 30 30 मिनट्स का स्मॉल वर्कआउट्स, लिटिल बिट ऑफ जॉगिंग एंड ऑल, धीरे धीरे. एंड आई कंटिन्यूड दैट फॉर लाइक 2 मंथ्स, वो वाला दैट काइंड ऑफ रूटीन, कार्डियो वाला. देन आई स्लोली स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन बॉडी बॉडी वेट कार्डियो एक्सरसाइजेस एंड अदर एच हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT, वो स्टार्ट कर दिया था मैंने. एंड उसी टाइम पे पैंडेमिक हिट कर दिया. सो लाइक 6 महीने से तो घर पे ही है. पैंडेमिक, पैंडेमिक को अगर देखा जाए तो तूने काफी सारा टाइम, मतलब मेनली जो तेरा जर्नी था वो मैंने जो नोटिस किया था, अराउंड इट बिगैन ड्यूरिंग द पैंडेमिक स्टार्ट. पैंडेमिक तो लेट आया थोड़ा सा, इट केम अराउंड इन मार्च अप्रैल के टाइम में, बट उससे पहले यू हैड स्टार्टेड द जर्नी. तो जब हिट किया था, देन हाउ डिड इट इफेक्ट योर वर्कआउट्स एंड हाउ डिड इट इफेक्ट योर मेंटालिटी एंड हाउ डिड यू फाइट अगेंस्ट इट, और इफ इट वॉज कंफर्टेबल कैसा था? नहीं एक्चुअली वैसे देखा जाए तो तुम पैंडेमिक मतलब लाइक एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स आई हैड लाइक एब्सोल्युटली मिनिमल ह्यूमन कांटेक्ट. मैं अकेले रहता हूँ अपार्टमेंट में. सो मेरा ज़्यादा किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं, तो फ़ोन कॉल वीडियो कॉल यही चल रहे हैं. सो देन फॉर लाइक कपल ऑफ डेज इन द बिगिनिंग आई वॉज लाइक फक ये क्या हो गया करके, कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम बस लेटे रह रहे हो, तुम मोबाइल पे पूरा टाइम हो वो. बट देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि नो यार लाइक यू कांट इवन लीव योर हाउस, यू आर जस्ट सिटिंग ओवर देयर एंड लाइक यू हैव ऑल दोज एक्स्ट्रा एनर्जी राइट, कि क्या करे क्या करे, तुम परेशान घूम रहे हो हाँ कि हाँ कुछ करना चाहिए. सो देन देर इज देन आई स्टार्टेड डूइंग रेगुलरली लाइक 5 डेज अ वीक. आई यूज टू डू दिस बॉडी वेट ट्रेनिंग एंड HIIT, स्किपिंग्स, बर्पीज एंड फिर पुशअप्स, इंक्लाइन पुशअप्स, फिर और लाइक सारे जितना नेम द बॉडी वेट एक्सरसाइजेस वो सब करना स्टार्ट कर दिया था. सो एक्चुअली आई स्टार्टेड फीलिंग क्वाइट गुड. लाइक फर्स्ट 2 3 डेज आई वॉज लाइक वेरी टायर्ड आफ्टर दैट थिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज एबल टू स्लीप. तो पहले लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ पैंडेमिक देर वॉज नथिंग एब्सोल्यूट टू डू. सो आई यूज टू सफर फ्रॉम इंसोमनिया ड्यूरिंग दोज 3 4 डेज. लाइक आई यूज टू नॉट एबल टू स्लीप एट ऑल. बट लाइक आफ्टर वंस आई स्टार्टेड डूइंग द वर्कआउट, वो फटीग की वजह से आराम से अच्छे से गुड नाइट स्लीप आ जाती थी रात को. सो देन आई स्लोली स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग इट इन माई रूटीन एंड एक्चुअली आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू डू एक्सरसाइज बिकॉज दैट यूज टू कीप मी अ काइंड ऑफ लाइक यू गेट दैट किक आफ्टर अ नाइस वर्कआउट राइट. यू लाइक दैट एड्रेनालिन रश एक आता है एड्रेनालिन साथ. रश, एड्रेनालिन रश, और फिर तुम अच्छे से उसके साथ खुद खाना बना के खा रहे हो, अच्छा फुल न्यूट्रिशियस क्लीन फूड खा रहे हो उसके साथ साथ. तुम्हारे बॉडी में एंडोर्फिन्स बढ़ जाते हैं. सो यू स्टार्ट फीलिंग एनर्जेटिक, एक्टिव, स्लोली स्लोली यू स्टार्ट फीलिंग क्वाइट एक्टिव एंड इट फील्स नाइस. सो एक्चुअली मैं बताऊंगा कि मैं जो 2 3 महीना घर पे रह पाया था विथ मिनिमल ह्यूमन कॉन्टैक्ट, तो उसमें जो मेंटली सेन रखने वाला जो पार्ट होता था ना, आई वुड कॉन्ट्रीब्यूट इट टू लाइक दो स्मॉल होम वर्कआउट विच आई यूज टू डू. सो दैट यूज टू दैट वॉज अ गेम चेंजर एक्चुअली. वो करने के बाद आई स्टार्ट लाइक इन नाइस फिटनेस इज समथिंग गुड, इट्स गुड. सो देन लाइक एज सुन एज यहाँ पे जब कंट्रोल में आया पैंडेमिक, देन आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम. अभी तक मैं जिम में नहीं जाता था. आई यूज टू डू होम वर्कआउट्स एंड आई यूज टू गो फॉर जॉग्स एंड रन्स बाहर. सो देन आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम क्योंकि आई थिंक लाइक इट्स टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप थोड़ा जिम में, क्योंकि अब तक लाइक आई यूज टू थिंक जो
ईयर के स्टार्टिंग में मेरा जो फिटनेस लेवल था उससे लेके अभी मैं काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है उसमें. सो नाउ आई कैन प्रॉपरली डू जिम. नहीं तो स्टार्टिंग में क्या होता, लास्ट ईयर आई रिमेम्बर मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर जिम किया था. आई वॉजेंट एबल टू डू आई वॉजेंट एबल टू गो टू जिम रेगुलरली आफ्टर 2 वीक्स. मैं कर ही नहीं पाया था, इतना फटीग हो जाता था मेरे को. कुछ भी नहीं होता था उस टाइम पे. एंड लाइक आई गेव अप उस टाइम पे. जिम छोड़ो, ये जिम अपने बस की बात नहीं है. बट नाउ लाइक आफ्टर डूइंग रेगुलर एक्सरसाइजेस, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस एंड कार्डियो एक्सरसाइजेस फॉर ऑलमोस्ट मे बी 4 मंथ्स, जब पैंडेमिक, जब यहाँ पर का लॉकडाउन खत्म हुआ, सो देवर लाइक स्टिल सोशल डिस्टेंसिंग, बट फिर देन द जिम ओपन. सो मैं जिम में जाता था. तो तूने देखा रहेगा लाइक देन आई स्टार्टेड कि या आई आई शुड ट्राई लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. तो हाँ तूने एक्सैक्टली, रहे, तुमने सो लाइक रिसेंटली शुरू किया अभी? या रिसेंटली शुरू किया था. एंड माय फर्स्ट वर्कआउट मैं देखा वर्कआउट ऐप पे पूरा कि 1 घंटे का वर्कआउट है, इतनी सारी चीज़ें तुमको करनी है, तुमको रोमेनियन डेडलिफ्ट करना है, तुमको बेंच प्रेस करना है, तुमको बेंट रोज करने हैं, तुमको पुश प्रेस करना है. आवला है कि ये तो हो ही नहीं पाएगा, आज तो मैं बीच में छोड़ के चला जाने वाला हूँ, क्योंकि इतना तो मैंने कभी स्ट्रेंथ वर्कआउट कभी ट्राई किया ही नहीं था. बट सरप्राइजिंगली जो मेरे पिछले 4 महीने का मैंने जो बॉडी वेट ट्रेनिंग किया था, आई वॉज एबल टू गो थ्रू इट. थोड़ा टेक्निक में ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम कर रहा था तो थोड़े बहुत प्लस माइनस चीज़ें थी, दैट इज बट देयर, मतलब टेक्निक द तो मेजर थिंग, टेक्निक इज डिफिकल्ट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ओनली. आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट, लॉन्ग वे टू गो. बट आई वॉज एटलीस्ट एबल टू गो थ्रू द एंटायर वर्कआउट. और घर जाके ऐसा नहीं था कि मैं कल तो जिम जा ही नहीं पाऊंगा. आई एम लाइक कि हाँ अभी आओ, आई विल अगेन गो टू द जिम. सो दैट्स समथिंग दैट्स क्वाइट गुड. सो लाइक सब बोलते हैं कि अरे बॉडी वेट एक्सरसाइज से क्या होगा. लाइक लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि अरे बॉडी वेट एक्सरसाइज से थोड़ी बन कुछ बॉडी थोड़ी बनती है, तुम्हें कहाँ सिक्स पैक एब्स, तुम्हारे क्या एकदम एथलेटिक क्लीन फिगर थोड़ी बनता है. बट वो चीज़ अटेम्प्ट करने के लिए तुमको खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ता है, बहुत फिजिकली एंड मेंटली. काफी सो इम्पोर्टेंट बात है अभी अभी इट्स लाइक कि जैसे बॉडी वेट एक्सरसाइजेस को जो एक जनरल, मतलब इनफैक्ट जब मैंने अपना शुरू किया था जर्नी, तो मैंने भी इसको काफी, लाइक मैं बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करता था बट आई डिडंट लाइक उसको कभी सीरियसली नहीं लिया। मतलब मैं काफी ज्यादा उसको हल्के में लेता था, बोलता था कि इससे मतलब ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, तो मैंने भी कम किया था मतलब जितना मेरे को करना चाहिए था। बट इवन नाउ जब मैं देखता हूँ, लाइक इवन माई कोच एंड एवरी वन, वो सभी ये बोलते हैं कि ऑल द एक्सपर्ट्स ऑल्सो दे से कि जब तुम अगर शुरू कर रहे हो अपना स्ट्रेंथ वर्कआउट जर्नी या कुछ भी, सो इट्स बेटर दैट डेवलप अ बेस, अ फाउंडेशन विद योर बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। तो उससे क्या होता है, तुम्हारी जो बेसिक फंक्शनल स्ट्रेंथ है या तुम्हारा जो एक बेसिक मैकेनिक्स होते हैं ना, लाइक बेंच प्रेस भी अगर होता है तो बेंच प्रेस सेम मैकेनिक्स होते हैं उसको पुश करने के। उस पुशिंग मूव के लिए तुम्हें पुशअप्स जब तुम करते हो प्रॉपर फॉर्म से, तो तुम वो काफी हद तक वो एक मूवमेंट को मिमिक कर रहे हो, एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ इट। तो उससे तुम्हारा क्या, तुम वेट रूम में आते हो तो तुम्हारे मसल्स के लिए इट्स नॉट अ वेरी न्यू स्टिमुलस। ऑब्वियसली वेट लोड एंड द मैकेनिक्स आर डिफरेंट, बट उस स्टिमुलस नया नहीं होता मसल्स के। तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा क्या बोलना चाहिए बेसिकली, लाइक यू अडेप्ट बेटर टू स्ट्रेंथ वर्कआउट्स एंड यू गेन स्ट्रेंथ फास्टर। एंड ये भी बोल सकते हैं कि तुमको मतलब ज़्यादा कंफर्ट आता है एंड मोटिवेशन भी ज़्यादा बना रहता है, बिकॉज यू आर अपग्रेडिंग बेसिकली, यू आर जस्ट गोइंग अप हाँ एंड अप। वही हो रहा है. या दैट्स एग्जैक्टली, बहुत सही बताया तूने. ये वही एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल कि या सो मतलब तुम जाते हो फर्स्ट टाइम, तुम बारबेल प्रेस कर रहे हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ, तुम्हारे मसल्स को ऐसा लगता है कि अरे ये इतना क्या लोड डाल दिया तुमने. सो यू आर रेगुलरली वर्किंग दोज मसल्स आउट. सो इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम टू अडेप्ट टू दोज, बट या इट इट गेट्स वेरी इजियर टू ट्राई एंड डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आफ्टर लिटिल बिट. क्योंकि मैं अपने आप को जानता था, अगर मैं वो वर्कआउट डायरेक्टली करता ये साल के स्टार्टिंग में जिम में जाके, तो मैं वो बीच रास्ते में छोड़ के चला जाता था और उसके बाद वापस मुड़ के कभी जिम आता नहीं था. या तो कुछ मसल पुल हो जाता था एंड लाइक देन आई शुड बी लाइक नो 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 नो.
ये अपने बस की बात नहीं है, बट आई से बॉडी वेट एक्सरसाइजेस को लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं. बट ऑब्वियसली इफ योर गोल इज टू गेट अ वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग बॉडी, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस वोंट बी इनफ, बट इट विल गिव यू अ फाउंडेशन एंड इट विल गिव यू मोटिवेशन एंड मेंटल स्ट्रेंथ. अगर तुमको 50 50 पुशअप्स करने हैं, 50 स्क्वाट्स करने हैं, 50 बर्पीज कर रहे हो तुम, तो उसके लिए भी मेंटल स्ट्रेंथ लगता है. एंड इफ यू आर डूइंग 6 6 सेट्स ऑफ 10 और समथिंग लाइक दैट, 10 और 15, सो दैट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन. दैट वर्कआउट कैन लास्ट ऑल्सो टिल बॉडी वेट ट्रेनिंग ऑल्सो फॉर 1 आवर. तो वो तुमको करने के लिए भी अलग लेवल का मेंटल स्ट्रेंथ लगता है टू पुश योर सेल्फ. सो इन सब चीज़ों का व्हाट डू यू से काइंड ऑफ लाइक जो मेजर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रहता है उसको तुम्हें प्रिपेयर कराते हैं ये. इट्स लाइक व्हाट डू यू से प्रैक्टिस रन. हाँ ये बोल सकते हैं, लाइक मतलब ये बोलना चाहिए कि हमारा जो स्टैमिना है, एंड्योरेंस है, हाँ सिर्फ तुम्हारा वो कार्डियोवैस्कुलर स्टैमिना ही नहीं, लाइक तुम्हारे मस्कुलर स्टैमिना ही को रहता है ना, एंड्योरेंस बेसिकली यस 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 डेवलप करना होता है, वो तुम फर्स्ट स्टेप ले लेते हो। इनफैक्ट ये काफ़ी हेल्प करता है काफी लोड्स हेल्प बढ़ाने काफी. में या वॉल्यूम ट्रेनिंग के लिए। एक काफी जरूरी है. मेरे को तो ऐसा लगता है, दिस इज माय ओपिनियन, नहीं कि बिल्कुल, मैंने कभी ऐसा इस बारे में सोचा नहीं था, बट नाउ आई थिंक अबाउट इट लाइक इफ इफ देर इज एनी वन न्यू जिसने कभी कुछ किया नहीं था, आई वुड से कि तुम 1 2 महीना ट्राई एंड डू जस्ट बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, रनिंग, फुल दोज बर्स्ट आउटबर्स्टिंग एच हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, स्किपिंग्स एंड स्क्वाट जम्प्स, बर्पीज एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड उसके बाद तुम जाके एक बार अटेम्प्ट करो जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना. सो देन यू विल नोटिस द डिफरेंस हाउ मच यू हैव इट, यू विल फील कंफर्टेबल अराउंड थिंग्स. ये ऐसा मेरे को लगता है. एंड एक और चीज ऐसे रहता है कि विद एक न्यूट्रिशन को लेके, मतलब मैं बात कर रहा कि एक न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो काफी सारे लोगों को अपना जो एक डाइटरी लाइफस्टाइल जब चेंज करना होता है तो उसमें काफी डिफिकल्टी आती है। लाइक इनफैक्ट उसके बाद तो मैं भी काफी हद तक स्ट्रगल करता हूँ, क्योंकि हॉस्टल में इट बिकम्स डिफिकल्ट समटाइम्स टू गेट योर मैक्रोज राइट, और इवन लिविंग ऑन ए लिमिटेड बजट इट्स टफ गेटिंग योर मैक्रोज राइट। तो उसमें हाउ डू यू फील, लाइक कि कैसे मैनेज किया था तूने, कि जब तू उसको मैक्रोज या अपने जब कैलोरी काउंटिंग शुरू किया था, तो हाउ डिड यू इट बिगिनिंग में एंड नाउ हाउ यू फाइंडिंग इट, लाइक यू फाइंडिंग इट टू रिस्ट्रिक्टिव या तू उसको काफी लाइक तेरे फ्लो में आ चुका है वो, तेरा कैसा फीलिंग था न्यूट्रिशन को सो लेकर? लाइक आई यूज टू थिंक कि अगर तुम एकदम तुम्हारा जो अभी ईटिंग पैटर्न है अगर तुम उसको एकदम फटाफट चेंज कर दो एंड लाइक ऑल ऑफ द सडन फ्रॉम टुमारो, लेकिन नो 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 जस्ट गो नीट 1800 कैलोरीज, दैट्स इट. सो तुम देन यू विल स्ट्रगल ऑब्वियसली एंड यू वुड यू विल गिव इट. सो मेरा फंडा वही था जो ये मैंने, आई यूज टू नॉट डू एनी डाइटिंग एट ऑल फॉर लाइक कपल ऑफ मंथ्स व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस बॉडी वेट ट्रेनिंग. आई यूज टू ईट नॉर्मली, बट आई यूज टू डू सर्टन थिंग्स लाइक अवॉइड ईटिंग टू मच डीप फ्राइड फैटी फूड और जो प्रोसेस्ड फूड रहता था, हैवीली प्रोसेस्ड फूड्स. सो आई यूज टू ट्राई एंड अवॉइड इट. उसकी जगह आई यूज टू ट्राई टू ईट क्लीन फूड थोड़ा, बट आई यूज टू नॉट मेजर एनी थिंग एट ऑल. जब तक पेट नहीं भरता था तब तक आई यूज टू ईट. देन आफ्टर दैट इन सेकेंड स्टेप विच आई टुक, मेरे को सजेस्ट किया था लोगों ने कि यू शुड ट्राई दिस थिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग. सो देन आई सेड लाइक मे बी वी कैन ट्राई, वैसे ही घर पे बैठे हैं, वी कैन ट्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्या होता है उसमें. सो बेसिकली इट्स 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड रिमेनिंग 8 आवर्स तुम्हारे जो रहेगे दिन में उसमें यू हैव 3 मील्स. सो स्टार्टिंग में व्हेन आई स्टार्टेड इंटरमिटेंट फास्टिंग माय फर्स्ट थिंग वाज कि वो जो रूटीन है तुम्हारा, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है तुम्हारा, जो बॉडी का सिस्टम और रिदम है उसमें उस चीज़ को फिट कराना है. सो माय गोल यूज टू बी यू ईट वॉट एवर यू वॉन्ट इन दोज 3 मील्स. उस टाइम मेजर नहीं करता था, बट आई यूज टू आई ट्राई टू गेट दैट 16 आवर्स फास्टिंग एंड 8 आवर ईटिंग साइकिल इन प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल. सो दैट टुक अराउंड लाइक कपल ऑफ वीक्स.
देन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड व्हाट इज रिकॉर्डिंग हाउ मच आई ईट एंड स्लोली आई वेंट फ्रॉम 2400 टू 2200 देन 2000 एंड नाउ आई एम ईटिंग अराउंड 1800 कैलोरीज पर डे एंड 3 मील्स अ डे. सो लंच, आफ्टरनून स्नैक, पोस्ट वर्कआउट वे प्रोटीन एंड अ बनाना और डिनर. सो दैट्स थिंग. एंड आई ट्राई टू ईट क्लीन फूड, जैसे सैलड्स हो गए काफ़ी ज़्यादा, एंड जितना भी घर पे बन के खा सके, या अगर तुम बाहर भी खा रहे हो तो आई ट्राई टू अवॉइड ऑल दोज डीप फ्राइड स्टफ. आई डू ईट समटाइम्स, मतलब ऐसा नहीं, आई हैवंट रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ उतना. जस्ट जस्ट आई एम ट्राइंग टू बॉडी से कि यू शुड बी फीलिंग क्वाइट हंग्री, और फिर अगर ऐसा हो तो मेरे को नहीं था दैट डजेंट मेक सेंस, क्योंकि तुम्हारे हंग अगर तुम डाइट कर रहे हो और तुम हंगर कर रहे हो तो तुम्हारे बॉडी में, जैसे कि जितना अपन ने अभी पढ़ा है अपने MBBS में, सो योर बॉडी वुड रिलीज ग्रेलिन. सो ग्रेलिन विल रिलीज इंसुलिन बिकॉज योर बॉडी इज एक्सपेक्टिंग फूड, दैट्स व्हाई इट्स ग्राउलिंग. सो यू वुड बर्न फैट दैट टाइम. अगर तुम भूखे रह रहे हो और तुम्हारा पेट ये बहुत गुर्रा रहा है एंड यू आर फीलिंग डिजी, यू आर फीलिंग हाइपोग्लाइसेमिक, दैट मीन्स योर बॉडी इज रिलीजिंग इंसुलिन, दैट मीन्स यू आर नॉट बर्निंग फैट एट ऑल. सो इट्स फूलिश ट्राई टू नॉट ईट ड्यूरिंग दैट टाइम. एंड जैसे इसमें काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मतलब जो लिसनर्स हैं हमारे वो सुनने होंगे उन्होंने, कि मतलब जो इसमें चीज़ें बताई लाइक लाइफस्टाइल चेंजेस, ईटिंग इन मॉडरेशन, फिर मॉडरेशन के साथ साथ नॉट जो पहले तूने एक टिप बताया था अबाउट जस्ट ईटिंग टिल यू आर फुल, ये एक्चुअली काफ़ी प्रो टिप है. लाइक दिस टिप हैज़ बीन यूज बाय मेनी टॉप न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड. वो ऐसा यू बोलते हैं कि जो उनके नए क्या बोलना चाहिए, क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ दे टॉक अबाउट दिस. सो दे फर्स्ट ऑफ ऑल कोच देम टू ईट टिल दे आर फुल. तुम्हारा ऐसे है कि तुम खा रहे हो तो तुम्हारा जब फीलिंग है व्हेन यू आर अबाउट एट योर 80% मार्क ऑफ योर 80% जनरली फील हो जाता है व्हेन योर स्टमक इज फुल हाँ बट यू हाँ कैन ऑन वाला जो फेज होता है. तो बेसिकली वो कोच करते हैं कि यू शुड जस्ट स्टॉप एट दैट पॉइंट इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल आउट एंड गोइंग टिल 100%. 100% मतलब तो अपना वो जाता है ना यू आर स्टफ्ड, एकदम स्टफ्ड वाला फीलिंग होता है कि अब और हाँ नहीं हाँ खा हाँ सकते. तो वो शुड जस्ट सेशिएट योर हंगर, इतना तक खाओ एंड देन स्टॉप, जस्ट यार स्टार्ट यार विद दैट इंस्टेड ऑफ मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग. क्योंकि क्या होता है कि मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग का ऐसा है कि नॉट एवरी वन विल बी कम्फर्टेबल विद इट. कई लोग होते हैं जिनका या बिल्कुल, ऑब्वियसली कई लोगों को ये काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव लगता है, कई लोगों के लिए इनफैक्ट ये एंजाइटी भी क्रिएट कर सकता है. मेरे को अभी ट्रैक करना, मैंने नहीं ट्रैक किया तो मेरा सब गोल्स मिस हो जाएंगे, आई विल जस्ट मिस एवरीथिंग, आई विल लूज एवरीथिंग. तो वो अब इट कैन स्पाइरल और डाउन. वो या दैट्स अनदर थिंग, दैट्स अ गुड थिंग दैट यू ब्रॉट अप ये चीज. मेरे को लगता है कभी कभी अगर तुमको क्रेविंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंटेंस क्रेविंग हो रहा है कि हाँ मेरे को आज चॉकलेट केक खाने का है, एंड यू आर कीपिंग दैट कैलोरी काउंट, यू आर मेंटेनिंग इट अच्छे से पूरा 1-2 हफ्ते से, यू आर इन अ कैलोरी डेफिसिट, वेरी नाइस कैलोरी डेफिसिट, यू आर डूइंग द फास्टिंग आवर्स, यू आर ईटिंग वेरी क्लीन, और तुमको एक दिन अचानक से ऐसे क्रेविंग आ जाती है, एंड एट दैट टाइम यू गो टू द शॉप, बाय नाइस स्लाइस ऑफ चॉकलेट केक, यू गेट इट बैक होम, फिर तुम खाने जा रहे हो और तुमने उसको मेजर किया कि नो 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 दिस इज व्हाट यू से, दिस इज टू मच, इट वेज अ लॉट, और ये कैलोरीज मेरी बहुत एक्सीड कर जाएगी इसमें से खा के. सो समटाइम दैट क्रिएट्स, अगर ये इनिशियल फेज में होता है कि तुम इनिशियली ये कर रहे हो उस टाइम पे ये ऐसा होता है, देन यू फील डीमोटिवेटेड, और फिर तुम बोलोगे अरे इसके आगे तो मैं ये मेजर नहीं करूँगा करके, एंड देन यू वुड इवन फील गिल्टी वाइल यू वोंट इवन एंजॉय दैट चॉकलेट स्लाइस. वही सो वही वो तो दोनों जगह माइनस हो रहा है, खा भी रहे हो तुम, एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हो, गिल्ट में खा रहे हो पूरा पूरा. सो मैं ऐसे बोलूँगा स्टार्टिंग में लाइक फॉर फ्यू टाइम आई थिंक सो इट शुड बी लिटिल बिट रिलैक्स्ड, और तुम जैसे बॉडी को धीरे धीरे करके आदत डालोगे ना, सो तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी खुद खुद को रिस्ट्रिक्ट करने की. इट्स मोर अबाउट व्हाट यू से मेकिंग अ हैबिट, फॉर्मिंग अ हैबिट,
कि देन आफ्टर दैट आफ्टर अ पॉइंट योर बॉडी सेट्स इट्स ओन रिदम एंड वंस दैट रिदम इज सेट यू आर क्वाइट कंफर्टेबल विथ वॉट यू आर ईटिंग सो इट डजेंट मैटर मीन्स लाइक आई एम सेइंग कि तुम स्टार्ट करो लाइक फॉर एग्जाम्पल जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है अपने जो तुम चाय कॉफी या ऐसे के बेवरेजेस पी रहे हो उसमें दे पुट 2 स्पून ऑफ शुगर 3 स्पून ऑफ शुगर सो ट्राई टू रिड्यूस दैट फर्स्ट तो तुम अगर डायरेक्टली शक्कर डालना बंद कर दोगे चाय में तुम्हें चाय पसंद ही नहीं आएगी वो सो देन यू एड मोर शुगर टू इट अगेन एंड यू वुड नेवर ब्रेक दैट साइकिल सो ट्राई टू रिड्यूस मेक इट लाइक 2 स्पून और 1 स्पून ऑफ शुगर हैव इट फॉर अ वाइल फिर एक दिन ट्राई इट विदाउट एनी शुगर एंड तुमको पता भी नहीं चलेगा धीरे धीरे अगर तुम ग्रेजुअली करोगे तो यू वुड व्हाट यू से काइंड ऑफ ग्रूव इन टू दैट रिदम और फिर देन इट बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ एंड दैट्स अ सस्टेनेबल थिंग दैट पीपल कैन डू मेरे को ऐसा लगता है सही है एग्जैक्टली वही, क्योंकि जो लाइक मेरे हिसाब से जो मेरे मैंने एक अपने अपने पैटर्न को नोटिस किया, तो आई थिंक एवरीवन लाइक कैन गिव लाइक सपोज एक काफ़ी पुअर लाइफस्टाइल से कोई आदमी आ रहा है और उसको काफ़ी चेंजेस करने हैं, लाइक ही हैज़ बीन ड्रिंकिंग अलॉट, ही हैज़ बीन ईटिंग आउट अलॉट, और दैट पर्सन इज़ नॉट मेंटेनिंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, कई बार होता है कि एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते लोग बिकॉज ऑफ सदर स्टफ इन देयर लाइफ. तो उसमें आई थिंक कि देयर शुड बी अ साइकिल ऑफ अबाउट एक 14 डे एक रूल फॉलो करना चाहिए, विच आई फील लाइक फॉर 14 डेज यू स्टार्ट मेकिंग वेरी स्मॉल चेंजेस. लाइक अगर सपोज तूने बताया कि चाय में कम शक्कर वाला बात, तो सेम वे में दे कैन रिप्लेस फूड्स वन बाय वन. जैसे सपोज मेरे पास आज मैं 5 मील खाता हूँ दिन के, तो 5 मील में से मेरे 2 या 3 मील ऐसे हैं जो कि काफ़ी हाईली कैलोरी वैल्यूज उनका काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उनका मैक्रोज काफ़ी पुअर है. उसमें क्या कर सकते हैं कि अगर मैक्रोज काफ़ी पुअर हैं तो एक मील को रिप्लेस कर सकते हैं. लाइक अगर मैं एक चॉकलेट खा रहा था या मैं कैंडी खा रहा था बीच में, तो आई कैन स्टार्ट ईटिंग फ्रूट इंस्टेड ऑफ दैट. और या फ्रूट में दैट्स यू सडनली जस्ट गो फॉर अ वेरी लाइक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट वगैरह, वो जो रहता है अपना, या यू कैन जस्ट गो एग्जैक्ट फॉर समथिंग स्वीट, यू कैन गो फॉर स्वीट फ्रूट लाइक अनानास खा सकते हैं, पाइनएप्पल अपना जो होता है अनानास, देन यू हाँ कैन गो फॉर इफ यू हैव सीजनल में यू कैन गो फॉर मैंगो, कट थोड़े से स्लाइसेस कट करके रख लिए अपने साथ, या यू कैन हैव बनानाज, वो भी काफ़ी फिलिंग रहते हैं एंड दे आर क्वाइट बेनिफिशियल ऑल्सो, दे गुड अ गुड हाँ डोज ऑफ पोटेशियम डेली का. सो बेसिकली वही है तुमको जो फल पसंद हो वो खाने लग जाओ उसकी जगह इंस्टेड ऑफ हैविंग अ कुकी या समथिंग कुकी और अ कैंडी हैव अ बनाना और चाहिए तो तुम उसके साथ थोड़े हेजलनट्स आलमंड्स ऐसी ऐसी चीज़ें खा सकते हो तुम फॉर स्नैक्स एंड यू वुड सी लाइक आफ्टर अ वाइल इट डजेंट मेक अ डिफरेंस तुमको अच्छा लगेगा अगर तुमको वो चीज़ पसंद आ रही है तुमको अच्छा लगेगा सो दैट्स अनदर थिंग और दूसरा मैंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड मैं अपने घर पे जंक चीज़ें लाना बंद कर दिया जैसे चिप्स बिस्किट्स एंड उसकी जगह आई लाइक अगर तू मेरा फ्रिज कभी तू तू मेरे घर पे आया रहेगा तुम लोग बोलते हो अरे हाँ कुछ है क्या स्नैक्स है क्या तुम फ्रिज खोलते हो अंदर पूरे फल वल सब्जियां वब्जियाँ रखे रहती है तुमको चाहिए तो बना के फ्रूट सैलड खा लो तुम लोग स्नैक्स चाहिए ये अभी जो तूने जैसे बात बताई ना, ये इनफैक्ट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट्स लाइक रिसेंटली मैंने सुना था ये फ्रॉम अ टॉप न्यूट्रिशनिस्ट दैट दिस ट्रिगर फूड्स, दीज आर ऑल ट्रिगर फूड्स. जैसे जो तेरा नटेला हो गया, तेरा कुकीज, चिप्स, वॉट एवर काइंड ऑफ जंक फूड यू हैव, तो ये दीज हैव बीन कैटेगराइज एज ट्रिगर्ड फूड्स. तो उसमें क्या रहता है कि सपोज अगर वो तुम्हारे घर में है, एक रूल होता है, एक बर्नाडीज लॉ करके होता है, उसके हिसाब से दैट वॉज डिवाइज बाय डॉक्टर जॉन बर्नाडी बाय द वे. तो उसका ऐसा रूल के हिसाब से था कि अगर तुम्हारे घर में, हमारे किचन में एनीथिंग विद इन योर प्रॉक्सिमिटी, नो मैटर हाउ इट इज, नो मैटर हाउ न्यू इट इज बाउंड टू गेट फिनिश्ड विद इन अ पीरियड ऑफ, इट इज बाउंड फिनिश्ड वेदर यू, वॉट एवर इट इज, इट कैन बी एनी फ्रूट, इट कैन बी एनी हेल्दी स्टफ, इट कैन बी एनी जंक फूड, इट इज बाउंड टू बी फिनिश्ड. तो उसमें कैसे कि तुम अगर वो ट्रिगर फूड्स को लाना बंद कर दो,
बंद करना इसलिए जरूरी है बिकॉज टिल नाउ यू हैवेंट डेवलप्ड दैट हैबिट, दैट कंट्रोल ओवर योरसेल्फ कंट्रोल टू स्टर की तुम, अगर तुम्हारे सामने भी वो खाना रखा है तो तुम उसको खत्म नहीं करोगे। वो जब तक डेवलप नहीं करते हैबिट, उसके लिए तुम्हें धीरे धीरे करके लाइक यू कैन स्टार्ट रिमूविंग, लाइक इफ यू हैड यू यूज टू कीप 3 टाइप्स ऑफ फूड्स, लाइक एक चिप्स, एक सेवरी स्नैक रखा, एक स्वीट स्नैक रखा, और एक लाइक कुछ भी दूसरा रैंडम स्नैक रख लिया जो कि लाइक यू जस्ट कीप मंचिंग, लाइक टॉफीज, कैंडीज, जो बॉक्सेस होते हैं उनके वेफर स्टिक्स हो गए, ये सब। तो यू स्टार्ट रिमूविंग देम वन बाय वन, कि आज मैंने वेफर स्टिक हटा दिया अपने फूड्स में से, नाउ व्हेन एवर आई गो फॉर शॉपिंग आई विल नॉट बाय दैट। उससे क्या, विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल नोटिस कि तुम्हें उसके लिए क्रेविंग्स भी बंद हो जाएंगे, बंद और हो जब तुम, जाएगी। हाँ जब तुम्हें क्रेविंग्स होंगे तब तुम्हें सिर्फ क्या करना है, उसको ये नहीं करना है कि तुम्हें, तुमने एकदम छोड़ दिया कि अरे नहीं मैं तो लाऊंगा ही नहीं, उसका लाऊंगा लेके नहीं आओ, खाऊंगा। लेके आओ, उसको रखो लाके, 1 वीक तक रखो, उसको खा लो, फिर से उसको मत लाओ काफी टाइम तक। या तो दैट्स स्लोली एंड दैट्स ट्रू। स्टडी नोटिस करते हैं कि फिर धीरे धीरे करके यू गिव अप ऑन दैट एडिक्शन उस खाने पे, और जब वो हाँ धीरे एडिक्शन चला जाता है एक बार, तो फिर यू गिव सम मोर टाइम टू इट। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो तुम कम्प्लीटली उस फूड के ऊपर से लाइक गेट ओवर हो जाओगे, लाइक यू विल नॉट इवन वॉन्ट टू हैव दैट फूड, और द सेकेंड थिंग कैन बी यू विल डेवलप अ, दैट इज वॉट आई थिंक इज बेटर, इज दैट यू विल जनरेट अ बेटर कंट्रोल ओवर दैट फूड। सो इवन वेन यू हैव इट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, इफ यू कीप इट इन योर हाउस, दैट इज उसको तुम खाने का तुम्हारा टेंडेंसी, लाइक जो एक पैकेट तुम एक सिटिंग में खा लेते थे, वो तुम अब एक के ड्यूरेशन में खाओगे उसको। तो दैट इज अमेजिंग प्रोग्रेस इनफैक्ट। और हाँ इसको एक मेजर करने के लिए कि कितना फूड तुम्हें, कब तुम्हें लगता है कि तुम रेडी हो लाने के लिए, आई थिंक दैट टोटली विल डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंसेस एंड ट्रायल एंड एरर, जो हाँ मेरे को हाँ लगता। हाँ एंड लाइक उसका एक और रहता है कि यू शुडन्ट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ। लोग क्या करते हैं कि मैं करूँगा ही नहीं, करूँगा ही नहीं, करूँगा ही नहीं करके, एंड देन दे आफ्टर पॉइंट दे जस्ट रिलैप्स और बोले कि बैठ के पूरा डोरिटोस पैकेट खोल के उसको मेयोनीज में डिप करके खा लिया तुमने पूरा का पूरा पैकेट। सो ऐसा हो जाता है। सो यू नीड टू पैम्पर योर बॉडी लिटिल बिट, क्योंकि हाँ अगर हो रही है तुमने छोड़ दिया है खाना लाइक काफ़ी टाइम तक नहीं खाया, उसके बाद यू तूने बहुत सही पॉइंट बोला कि तुम लाओ और छोटा छोटा करके खाओ, लाइक द पैकेट विच वी यूज टू ईट इट लाइक इन अ सिंगल सिटिंग, यू कैन हैव इट ओवर लाइक फॉर 3 मील्स 4 मील्स जब तक चलता है थोड़ा थोड़ा लेके, सो यू वोंट इवन गेट दोज क्रेविंग्स उसके बाद। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। और मेरे को तो ये लगता है कि ये जो हाई ग्लूकोज हाई शुगर्स एंड हाई फैट डीप फ्राइड स्टफ, उसका भी एडिक्शन है। तूने जो एडिक्शन वाला टर्म जो यूज़ किया ना, दैट्स क्वाइट एप्ट आई फील, बिकॉज वर्ल्ड इज काइंड ऑफ लाइक अडिक्टेड टू व्हाट यू से डीप फ्राइड एंड शुगरी स्टफ। दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ एडिक्शंस। तुम उसको यू कैन इवन कंपेयर इट टू अदर एडिक्शंस लाइक सिगरेट अल्कोहल एंड ऑल दो स्टफ। मैं तो बोलूँगा ये भी उतनी एग्जैक्टली डेडली है, बिकॉज इन लॉन्गर रन यही तो कॉज कराते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, ओबिसिटी, मॉर्बिडिटी। सो मतलब तूने जो मैं एडिक्शन, बोलूं, एडिक्शन टू दीज काइंड्स ऑफ फूड्स एंड लाइक दिस लाइफस्टाइल इज इवन वर्स देन एन एडिक्शन टू अल्कोहल और सिगरेट्स और एनीथिंग, बिकॉज उसमें भी यू आर स्टिल, यू नो दैट यू आर हैविंग, एटलीस्ट यू आर कॉन्शियसली अवेयर ऑफ हाउ मच यू आर हैविंग। हाँ ये साइलेंट किलर जैसे है ये वाले जो है, तुमको पता नहीं सब खा रहे हो, तुम भी खा रहे हो साथ साथ में, तुम्हें मजा आ रहा है, यू गेट दोज लाइक हाई शुगर रश आफ्टर ईटिंग दोज स्वीट स्टफ, सो देन यू बेसिकली गेटिंग एडिक्टेड टू इट। सो यू हैव टू लाइक जिम, यू हैव टू ट्रीट इट लाइक यू ट्रीट एनी अदर एडिक्शन। स्टेप बाय स्टेप उसको रिमूव करो तुम अपनी जिंदगी से, और कभी कभी चाहे थोड़ा बहुत इंडल्ज कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये इतना शॉर्ट टर्म बेसिस में इतना हार्मफुल नहीं है अगर तुम कंट्रोल करके खाओ तो, अनलाइक द अदर्स। सो दैट्स अ परफेक्ट वे टू कंट्रोल, टू ट्रीट इट काइंड ऑफ लाइक एडिक्शन। और बॉडी फॉर्म, आई थिंक आर बॉडी इज वेरी सुपर्ब एट फॉर्मिंग अ हैबिट, या तो बुरी भी हो सकती है या तो वो अच्छी भी हो सकती है, बस उसको टाइम देना पड़ता है थोड़ा। सो एग्जैक्टली लोग वो टाइम नहीं देते, दे जस्ट वॉन्ट लाइक इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट दिस, सो वैसा होता नहीं है, यू हैव टू गिव एवरीथिंग टाइम। एंड जैसे
ये तो न्यूट्रिशन पे जैसे हमने काफ़ी बात की इस पे, तो अभी जैसे फ्यूचर के गोल्स से एक बात करते हैं कि फ्यूचर गोल मैं हर जने से पूछता हूँ उनके, अभी तक की जो जर्नी थी उसके बाद व्हाट डू यू थिंक विल बी योर फ्यूचर गोल्स, आगे वो हाउ डू यू वांट टू ट्रांसफॉर्म? आगे जो अभी मैं जो कर रहा हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड ऑल दिस क्लीन डाइट, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू दैट एंड लाइक मेक इट माई लाइफ कि हाँ यही मेरा नॉर्मल रूटीन है. एंड मे बी देन आफ्टर दैट लाइक वंस इट गेट स्टैगनेंट आई कैन लाइक ट्राई लिटिल बिट मोर. मे बी आई कुड गो फॉर इंस्टेड ऑफ 16:8 आई कैन गो फॉर 24, वैसे कर सकते हैं मे बी समटाइम्स आगे. एंड एक्सरसाइज वाइज नाउ दैट आई हैव स्टार्टेड डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू कंटिन्यू ऑन दैट एंड बिल्ड माई स्ट्रेंथ. एंड ओके, सो मैं ऐसे लाइक बोलूँगा कि जो मैंने अपने गोल्स ट्राई की है टिल नाउ आई एम ऑन लाइक व्हाट यू से राइट ट्रैक. लाइक एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर आई वॉज अराउंड 80 kgs एंड नाउ इन लास्ट 6 months आई हैवंट लॉस्ट लाइक ड्रामेटिकली माई वेट. आई हैव लॉस्ट लाइक 6 kilos नाउ आई एम 74 kg. सो माई गोल बाई द एंड ऑफ दिस ईयर इज टू रीच 70 kg. एंड जो मेरे जो ये लाइफ स्टाइल चेंजेस कराने हैं उसको सस्टेन करना है मेरे को सो दैट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. तो ये काफी, इनफैक्ट ये जो गोल्स, द फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जो टाइमिंग तूने बताया, विद इन अ ईयर यू आर एमिंग टू लूज 10 किलोज, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज आल्सो ब्रिलियंट, क्योंकि कई लोगों को रहता है कि दे वांट टू लूज एवरीथिंग प्रीटी फास्ट, उन्हें रहता है कि तुम्हें 10 किलो 8 किलो तुम्हें एकदम घटा देना है, तुम 1 महीने में मेरे को 8 किलो खत्म करने का है, तो तुम करने में कुछ नहीं तो कर दोगे लेकिन फिर तुम उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे आगे, सो That's दैट सस्टेन exactly. इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो सस्टेनेबिलिटी ही काम आती है. सो एंड लाइक वंस यू गेट दैट सस्टेन्ड हैबिट इट गेट्स वेरी इजी टू फॉलो ऑल दोस फिटनेस गोल्स दैट यू आर ट्राइंग टू डू. फिर उसमें यू कैन जस्ट गो वन स्टेप फर्दर एट अ टाइम. जैसे बेबी स्टेप लेके के यहाँ तक पहुँचे हैं वैसे ही बेबी स्टेप ले लेके आगे पहुँचेंगे. बट यू हैव टू डू इट एंड फॉलो इट एवरी डे. दैट्स द टफ पार्ट एज आई सेड. वोटिंग बोजैक वही दैट्स क्वाइट डीप कोट. या बहुत ज्यादा दैट वो काफी काफी अच्छा कोट है, काफी अच्छा कोट है वो. तो काफी काफी इंसाइटफुल कन्वर्सेशन था अभी ये. इनफैक्ट बोलूंगा कि हुएवर लिसन्स टू दिस, इट्स ईच एंड एवरी मिनट ऑफ दिस कन्वर्सेशन आई फील वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन न्यू आउट देयर, इवन एनीवन हुज ऑलरेडी ऑन देयर पाथ टू अ फिटर लाइफस्टाइल और अ फिटर सेल्फ. मैं बोलूंगा कि इट वॉज क्वाइट गुड टॉकिंग, इट वॉज काफी इंफॉर्मेटिव थैंक्स था. निशान, थैंक्स निशान. थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट. सो चलो ओके देन, वील चलो बी एंड करते. सो डियर. मंडे को मिलते हैं जिम में. यस, मंडे से आई एम गोइंग टूवर्ड्स न्यूअर गोल्स, अबाउट आई थिंक आई विल बी चेंजिंग अप टेक्निक एंड स्टफ. सही है सही है. मिलते हैं मंडे को. ओके देन, ओके, बाय बाय. चलो बाय बाय बाय.